कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर। एक बार अपने जीवन की तरफ आराम से देखे, हम कर्म से ज्यादा दुखी है कि रिश्तों से ज्यादा दुखी है, किससे ज्यादा दुखी है? चरम शरीरी भीष्म पितामह, चरम शरीरी भीष्म पितामह। और उसके बावजूद रिश्ते के जंजाल में ऐसे उलझ गए कि जमीन पर अंतिम समय में भी संथारा लगाना भी संभव न हो पाया है। रिश्ते कितने गहरे होते हैं कि जिस खाई में गिरना नहीं चाहते उस खाई में भी धक्का देकर के कोई गिरा देता है। और रिश्ते कितने पवित्र होते हैं कि जिस शिखर पर हम पहुंचना नहीं चाहते, पहुंचने का बल नहीं है, उस शिखर पर भी हमको पहुंचा देते हैं। दोनों तरफ रिश्तों को देखिए। मुझे नहीं लगता कि राजू ने कभी जिंदगी में सपना देखा होगा कि मुझे दीक्षा लेनी है। नहीं ना, लेकिन दीक्षा ले ली, वैराग्य से ली कि अनुराग से ली? किससे ली? अनुराग से ली कि नहीं, मैं अरिष्ट नियम के बिना नहीं रह सकती। रथ नियम ने दीक्षा ली। कोई वैराग्य से, मैं राजुल के बिना नहीं रह सकता, वो अरिष्ट नियम के बिना नहीं रह सकती, और ये राजुल के बिना नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं था कि राजुल को दूसरा कोई पुरुष नहीं मिल रहा था और रथ नियम को दूसरी कोई नारी नहीं मिल रही थी, ऐसा नहीं था। दोनों को बहुत ऑप्शन थे, ऑप्शन की कोई कमी नहीं थी। और यदि ऑप्शन चुनते तो शिखर पर नहीं पहुंच पाते। वो रिश्ता ही था, वो रिश्ता ही था कि रत्नमी जैसे भोगी को भी केवली बना दिया है, रिश्ते ने बनाया है। वो तो वासना का पुजारी बनकर के राजुल के पीछे लगा हुआ था। सोचते जाएंगे थोड़ा सा, भगवान अरिष्ट नेमी के पास दीक्षा ली रथ नेमी ने, और उसके बावजूद अंदर में कौन चल रही थी? राजुल चल रही थी। और राजुल के साथ उसका जो रिश्ता था कोई पवित्र रिश्ता था, ऐसा तो कहने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती है। रिश्ता पूरा वासना का था। ध्यान कर रहा है गुफा में, फिर भी अंदर में वही चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन एक योगीश्वरी के साथ संबंध हो गया, वासना का संबंध था। लेकिन जिस शिखर पर राजुल थी उस शिखर पर रथनेमी को पहुंचना ही पड़ा, कोई पहुंचने की इच्छा नहीं थी, पहुंच गया। रिश्ते शिखर पर भी पहुंचाते हैं और रिश्ते खाई में भी पहुंचाते हैं। एक दुश्मनी का रिश्ता होता है, एक दुश्मनी का रिश्ता होता है कि साता वेदनी के उदय में भी परेशान कर जाता है। किसका उदय? हाँ, बोलते जाओ थोड़ा सा, पता चलेगा आपको। साता वेदनी के उदय में भी परेशान कर जाता है। कितने उदाहरण चाहिए? अपना ही उदाहरण ले लो ना, और किसी का क्यों लेते हैं, है ना?
सारे जितने सुख में रहते हैं, भौतिक सुख में जितने लोग रहते हैं, उनको परेशानी किससे? किसे? अपनों से है कि परायों से है? देखो क्या मजा है, जिनसे परेशान होते उनको अपना कहते हैं। और ये रिश्ता देखिए, साता वेदनी का उदय होने के बावजूद शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है, लेकिन दिल घनो भारी है, किरामते बोझ है, दिल बहुत भारी है। और ये दिल भारी कर्म के कारण से होगा कि रिश्ते के कारण से हो गया है? बाबा अमटे की बेटी, बाबा अमटे की बेटी मैं करीबन करीबन 15-20 दिन उसके पीछे, और उसने सुसाइड कर ली। ना ससुराल में दुख, ना पीहर में दुख, ना जीवन में कोई समस्या। 4 दिन बेटे का जन्मदिन, 4 दिन पर बेटे का जन्मदिन। रिश्ते में जिस समय डार्क जोन आ जाता है तो जीने की तमन्ना समाप्त हो जाती है। शरीर दगा दे तो लड़ने का मन होता है, शरीर दगा दे तो लड़ने का मन होता है, परिस्थिति विपरीत हो जाए तो उमंग जगती है, दान परेश। लेकिन अपनी ही जुबान अपने ही दांतों के नीचे आ जाए तो शिकायत किससे करे? अपनी ही जुबान अपने ही दांतों के नीचे आती है, अपने ही दांत अपने दुश्मन बन जाते हैं। परमात्मा दांत तोड़ने की बात नहीं करते हैं, है ना? परमात्मा दांत तोड़ने की बात नहीं करते हैं, परमात्मा कहते कि चबाने का तरीका सुधार ले, है ना? यही तो अंतर है परमात्मा के इस देशना में और बाकी धर्म के देशना में। राम के सामने रावण आया तो रावण की जीने की संभावनाएं समाप्त हो गई। श्री कृष्ण के सामने कंस आ गया, संभावना समाप्त हो गई। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के सामने चंडकोशिक आ गया है, मैं चिंतन के लिए आमंत्रण दे रहा हूं आपको। रावण भयंकर के चंडकोशिक भयंकर, कौन सा भयंकर के चंडकोशिक भयंकर? ये परिशन पर्व है, और परिशन पर्व का जो तीसरा सूत्र आपके सामने चल रहा है वो कौन सा है? क्षमापना का है। ये आपसे एक ही बात कहता है कि मारने में समाधान नहीं है, समाधान है तो केवल सुधारने में। दुश्मनी के रिश्तों को जो दोस्ती में बदल कर रख दे उसको परिशन पर्व कहते हैं, और दोस्ती के रिश्तों को जो दुश्मनी में बदल करके रख दे उसको महाभारत कहते हैं। इसलिए क्षमापना की बात शुरू करी मैंने करनी। यदि ये रिश्ते सबके साथ मैत्री के हो जाए, सबके साथ रिश्ता मैत्री का हो जाए, तो छाती पर हाथ रख करके देखो
जीवन में समस्याएं कितनी रहेगी, रिश्ते सारे दोस्ती के हो जाएं, और साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, एक महीने पहले रिपोर्ट पेपर में आ चुकी थी, शायद आपने पढ़ी होगी, कि क्षमापना न करने के कारण से जो कैंसर होते हैं, कैंसर के जो मरीज है उसमें 61% कैंसर के मरीज इसलिए है कि वो क्षमा न कर पाए। डायलिसिस के पीछे भी कारण कोई है तो क्षमा न कर पाना, फॉरगिवनेस न कर पाना है। रिश्तों के तनाव का सबसे पहला असर किसी पर होता है, दुश्मनी का सबसे पहला असर किसी पर होता है, तो दिल पर, हृदय पर, और हृदय से सीधा पहुंचता है लीवर पर, और लीवर से सीधा पहुंचता है किडनी पर। रिश्ता बिगड़ा, पेट बिगड़ा, ये साइंस कह रहा है। आप अनुभव करना हो तो कर सकते हो, खुशी के भावना में भोजन करो, देखते हैं पेट कैसा बिगड़ता है, और थोड़ा दुश्मन को याद करते हुए भोजन करो, देखते क्या होता है। हाँ, मुंह का स्वाद तो ठीक है, खा भी जाओगे, अंदर सारा टॉक्सिन नहीं मिलेगा उसको, एंजाइम नहीं मिलेंगे, क्यों परमात्मा ने शर्त रखी, जो वो समय तस आराधना, जो उपशम करता है वैर का उसकी आराधना है, जो वैर को शांत नहीं करता है उसकी आराधना नहीं है, उसकी विराधना है। वो चाहे मास्कमन का तपस्वी हो, चाहे देश उना नौ पूर्व का ज्ञानी हो, कितने पूर्व का, देश सुना नौ पूर्व का, देश सुना नौ पूर्व का ज्ञानी भी होगा और मन में कहीं वैर का अंगारा जल रहा होगा तो नरक में ही जाना पड़ेगा, और केवल अष्ट प्रवचन माता होगी, केवल अष्ट सबसे कम जानकारी, सबसे न्यूनतम जानकारी। 90 महापुरुषों की आराधना कल से शुरू होगी, और उस 90 महापुरुषों की आराधना में सबसे कम समय में, सबसे कम समय में कोई मोक्ष में गया तो गस कुमार, और सबसे कम जानकारी में कोई मोक्ष में गया तो अर्जुन माली। कल्पना कर पाओ तो जरूर करो, एक पंचेंद्रिय निरपराधी की कोई हत्या करे, एक पंचेंद्रिय निरापराधी की कोई हत्या करे तो महामोहनीय कर्म का बंद होता है। कौन से कर्म का? और महामोहनीय कर्म का बंद हो जाए तो ना तिर्यंच गति का रास्ता खुलता है, ना मनुष्य गति का रास्ता खुलता है, ना देव गति का रास्ता खुलता है, केवल एक ही रास्ता खुलता है नर गति का। और जिस व्यक्ति ने 6 पुरुष और 1 नारी की 5 महीने 24 दिन निरापराधी की हत्या करी है, 1 दिन अपराधी की करी है, 1st डे अपराधी की करी है, और 5 महीने 24 दिन रोज 7 की हत्या पंचेंद्रिय जीवों की,
इतने लोगों की हत्या करने के बाद जिसको चेन किलर आप कह सकते हो, उसकी गति क्या होनी चाहिए थी? हाँ, नरक भी एक बार का नरक कम पड़ जाता, एक बार का नरक कम पड़ जाता है, बार बार नरक में जाना पड़ता है। उसने मांस खमन किया, उसने मांस खमन किया, उसने अठाई करी, उसने आगम का ज्ञान प्राप्त किया, केवल एक एक बात उसके जीवन में साकार हो गई, मैत्री, मैत्री दोस्ती। जो गालियां दे रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, उस राजग्रही में जहां उसको अन्न नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिले तो अन्न नहीं और अन्न मिले तो पानी नहीं, और फिर भी कोई शिकवा नहीं, कोई गिलवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और एक पल के लिए भी उसके मन में शिकवा गिलवा आ जाता तो मोक्ष में जा सकता था? इसको कहते मैत्री, इसको कहते दोस्ती। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।